बारिश का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है। बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी जद में मकान आ रहे हैं। इस दौरान अवैध जमीन पर बना एक मकान भी बारिश की चपेट में आ गया। हरिद्वार के रोशनाबाद में केविन केयर कंपनी के सामने नाले पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया गया था। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पूरे जिले में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कहीं पुल तो कहीं मकान गिर रहे हैं। इस दौरान भारी बारिश के बाद नाले में पानी ज्यादा आने के कारण अवैध निर्माण के बनाए गए मकान की दीवार गिर गई। आपको बता दें कि ऐसे अवैध निर्माणों के कारण ही पानी की निकासी रुकती है और क्षेत्र में जलभराव की समस्या भी देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल यह है कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे यदि इतना अवैध निर्माण है तो पूरे जिले का क्या हाल होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।